दोस्तों, क्या आप जानते हैं 1969 में नासा ने जो मून लैंडिंग की थी वो फेक थी? जी हाँ, बल्कि नेवाड़ा के एरिया 51 में उसकी शूटिंग की गई थी। पर क्यों? ये इतना बड़ा स्कैम क्यों? चलो तो आज उसी के बारे में बात करते हैं। तो तैयार हो जाओ, ये है फैक्ट स्टार, जहाँ आपको मिलेंगे मजेदार फैक्ट्स लगातार। एरिया 51, जिसे नेवाड़ा टेस्ट और ट्रेनिंग रेंज भी कहा जाता है, ये एक हाई सिक्योरिटी ट्रेनिंग रेंज है जहाँ यूएस एयरफोर्स का मिलिट्री बेस है। ये एरिया 51 1955 में बनाया गया था और तब से लेकर आज तक ये एक सीक्रेट मिलिट्री बेस है। तो इस जगह पर असल में क्या होता है ये किसी को नहीं पता है। आज तक यूएस गवर्नमेंट ने भी कभी ये डिस्क्लोज नहीं किया है। आसपास रहने वाले लोगों का ये मानना है कि उन्होंने यहाँ पर कई यूएफओस देखे हैं। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि यहाँ एलियंस पर रिसर्च होता है और यहाँ उनकी डेड बॉडीज भी मौजूद है। ये एरिया 24/7 गार्ड्स की निगरानी में होती है और यहाँ हर जगह मोशन सेंसर्स लगाए गए हैं, जिससे यहाँ जा पाना पूरी तरह से नामुमकिन है। गवर्नमेंट ने इस एरिया में शूट एट साइट का ऑर्डर भी दिया है, यानी अगर इस एरिया के आसपास भी कोई दिखेगा तो उसे गोली मार दी जाएगी। इसीलिए इम्प्लॉयज को छोड़कर उस एरिया में कोई भी नहीं जा सकता। ऐसे भी कहा गया है कि इस एरिया में काम करने वाले लोगों को किसी स्पेशल तरह के प्लेन से यहाँ ट्रांसपोर्ट किया जाता है और उनके सैलरीज भी कैश में पे किए जाते हैं ताकि उनका कोई रिकॉर्ड ना रहे। अब वो इतना सब कुछ क्यों कर रहे हैं ये तो किसी को नहीं पता, पर एक बात तो है, दान में कुछ तो काला है। 1989 में रॉबर्ट लेजर नाम के एक आदमी ने लास वेगास रेडियो स्टेशन में एक इंटरव्यू दिया था, तो तब उन्होंने कहा था कि वो एरिया 51 में काम कर चुके हैं और उन्हें पता है कि उस एरिया में एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल एलियन रिलेटेड एक्टिविटीज होते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि उस एरिया में एलियन एयरक्राफ्ट्स मौजूद है। तो सबसे पहले रॉबर्ट ने ही एरिया 51 को एक्सपोज किया था और उसी की वजह से लोगों को इस एरिया 51 के बारे में पता चला था। उसके बाद 2013 में बराक ओबामा पहले ऐसे प्रेसिडेंट थे जिन्होंने पब्लिक में एरिया 51 का नाम मेंशन किया था। मतलब उन्होंने ऐसे ही मजाक में वो नाम मेंशन किया था, लेकिन लोग तब से ये बिलीव करते हैं कि ये प्लेस सच में एग्जिस्ट करती है। एरिया 51 से जुड़े बहुत सारी थ्योरीज है, जिसमें से एक थ्योरी ये है कि 1969 में नासा ने जो मून लैंडिंग की थी, जो कि मून पर की सबसे पहली लैंडिंग थी, वो सब फेक था और जो हमें वीडियोस और फोटोज दिखाए गए थे वो सब फिल्म था। जी हाँ, अमेरिकन फिल्म मेकर स्टैनली क्यूब्रिक ने ये सारी बात बताई थी कि उन्होंने खुद नासा को ये सब शूट करने में मदद की थी और इसकी शूटिंग नेवाड़ा के एरिया 51 में की गई थी, यानी नील एम्स्ट्रॉन्ग और बस एल्ड्रिन का मून पर चलना सब कुछ फेक था। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि एरिया 51 एक टेस्टिंग ग्राउंड है जहाँ स्पाई प्लेन्स, यूएस क्राफ्ट्स और सीक्रेट यूएस एयरफोर्स के रिलेटेड रिसर्च की जाती है और शायद ये एलियन कंसेप्ट बस लोगों के मन में डर पैदा करके लोगों का अटेंशन कहीं और रखने के लिए स्प्रेड किया होगा। अब इसमें क्या सच है और क्या झूठ ये किसी को नहीं पता, लेकिन आज भी ये साइट यूज की जाती है और बहुत से लोग एलियन की तलाश में एरिया 51 में जाने की कोशिश करते हैं और फिर वहाँ लोग उन्हें अरेस्ट कर लेते हैं। आपको क्या लगता है, क्या सच में यहाँ एलियंस होते होंगे? मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन, बाय बाय।